उत्तराखंड के गदरपुर पुलिस द्वारा किसानों के खेतों से लगातार चोरी हो रही पानी की मोटर की तलाश करते हुए पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ साथ मोटर भी बरामद की है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी बाजपुर भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि किसानों ने कुछ दिन पूर्व पानी की मोटरें चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। खेतों से लगातार पानी की मोटरें चोरी हो रही हैं, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने उक्त रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से संदिग्ध लोगों की पहचान कर पुलिस ने दिनेशपुर अंडरपास रोड पर एक विशेष चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी 2 लोग मोटरसाइकिल पर एक मोटर लेकर आते हुए दिखाई दिए। जब उनको रोक कर पूछताछ की गई तो उन्होंने मोटर चोरी होना बताया। पुलिस द्वारा थोड़ी सख्ती बरतने पर उन्होंने 6 मोटर और चोरी करने की बात कबूल की। अभी तक मनमोहन सिंह जो मुकद्दमपुर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी कि मेरे मध्य रात्रि के में जो है मेरे खेत से पानी की मोटर चोरी हो गई। तो उसी तहरीर के आधार पर थाना गदरपुर में एसओ के द्वारा एक टीम यहां पर जो है इसकी पता रेसी सुराग रेसी में लगाई गई। तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देखते हुए और मुखबिरों की सूचना के आधार पर ये दिनांक 9 तारीख को दिनेशपुर अंडरपास से थोड़ा पहले एक मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति जाते हुए दिखाई दिए, जो पुलिस टीम को देख करके भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम के द्वारा उनका पीछा किया तो उनको मौके पर पकड़ लिया गया। उनसे पूछताछ की गई, जब 27 से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा जो है इस मोटर को चोरी करने की बात को कबूली है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।